आरजीवी पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज फिफ्थ लेक्चर लेकर के आए हैं। फिफ्थ है ना, फिफ्थ यानी पांचवा लेक्चर, ज्योग्राफी सिक्स क्लास और चैप्टर थ्री। ठीक है ना, पृथ्वी पर परिमंडल। और ये फाइव लेक्चर है। अब यहाँ पे जलमंडल है। क्या है ये? जलमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? पीछे वाले वीडियो जरूर देख लिया करो। अब यही चीज हाइड्रोस्फीयर पहले भी हो चुका है, उसी को डिटेल अध्ययन करेंगे। जब आप धीरे धीरे सब चीज को पढ़िएगा तो मुश्किल नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज को पढ़िएगा तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोस्फीयर यानी पूरा के पूरा किसकी चर्चा करेंगे? जल की चर्चा करेंगे। जल कितने प्रतिशत भाग पर है? दो तिहाई भाग पर, जिसको हम लोग बोलेंगे 71%। कितना प्रतिशत? 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल है। कितना प्रतिशत भाग पर? 71% भाग पर, जो लगभग दो तिहाई है। ये तो हो ही गया जल से ढक। इसमें छोटे बड़े कई जलाशय हैं, है ना, बहुत बड़े जलाशय हैं जिसे महासागर कह दिया गया, और छोटे छोटे जलाशय को सागर, और छोटा तो झील, झरना, नदी, अलग अलग तालाब, ठीक है ना, खेत, ये सब में बहुत सा पानी है। इसके अलावा और पानी कहाँ है? भूमिगत जल, जमीन के नीचे। जमीन के नीचे जो जल है, इस जल को क्या बोलेंगे? भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। कहता है महासागर छोड़े जिला सागर जिन 97% जल सागर और महासागर में मिलते हैं। 97% कहाँ मिलता है? सागर और महासागर में, जो खारे हैं, पीने लायक नहीं है। मात्र पीने के लिए 3% जल पाया जाता है, लेकिन अब ये भी घट करके 2.5% हो गया है। आपको बहुत जगह मिलेगा 2.5, और ये 2.5% कहाँ पाया जाता है? तो मीठे पानी का झील, भारत के सबसे मीठे पानी का झील बुल्लर झील। कौन सा झील? विश्व के सबसे मीठे पानी का झील सुपेरियर झील। कौन सा? सुपेरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर है। क्लियर है? वहाँ पे पांच झील था मीठे पानी का, पांच झील, ग्रेट सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटोरियो। मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटोरियो, ठीक है ना, और सुपेरियर, ये पांच झील है, विश्व के पांच बड़े झील है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े झील है कनाडा में, बहुत सा, ग्रेन अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, निपिगन, ये सब कनाडा के झील है। हमारे यहाँ भी बहुत से झील हैं, जैसे चिल्का लेक, ये ऐसे खारे पानी का झील है। सांभर लेक, ये भी खारे पानी का झील है ना, इडली सांभर कह रही है। तो सांभर लेक कहाँ है, कौन राज्य में, बताइए? सांभर झील, सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, और चिल्का झील उड़ीसा, डल झील श्रीनगर। वेरी गुड, डल झील कहाँ है? श्रीनगर। डल झील यानी किस राज्य में? अब तो राज्य नहीं बचा, केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 97% कहाँ पाया जाता है? सागर, महासागर में, ठीक है ना। अब 3% मात्र हम लोग पीते हैं, जिसमें से मीठे पानी का झील हो गया, नदी सब बहती है वो हो गई, उसे हम लोग पानी पी सकते हैं, और ग्राउंड वाटर जो भूमि के नीचे है, इतना पानी 3% है, और बाकी सागर और महासागर में अथाह पानी है 97%। यहाँ तक के लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जैसे चर्चा हो रही है पानी का, तो मैप में भी आपको पूरा के पूरा पानी नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है? पानी को हाईलाइट कर दिया गया और भूमि को लो लाइट कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पे पूरा चार महाद्वीप देखने को, कितने महासागर देखने को मिलेंगे? चार, लेकिन पढ़ाई करने कभी कभी पांच आपको नजर आएगा। ठीक है ना, मैं चार भी बताऊंगा, पांच भी बताऊंगा। सबसे बड़ा इसमें प्रशांत महासागर, डेट मीन्स पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? पैसिफिक ओशियन। टाइम देखिए ना, पैसिफिक ओशियन, कितना? पैसिफिक। तो यहाँ पैसिफिक, ये पृथ्वी गोल है, तो इधर वाला पानी दोनों धर मिल जाता है, तो ये पैसिफिक ओशियन, ये क्या हो गया? पैसिफिक ओशियन। दूसरा स्थान पे अटलांटिक महासागर, तो ये अटलांटिक ओशियन, यहाँ से यहाँ तक अटलांटिक ओशियन, एस जैसा लग रहा है ना, यहाँ से ऐसे चले लग रहा है, एस जैसा। ये कैसा है? एस।
पूछता है इस आकृति के कौन सा महादेश, कौन सा महासागर है, तो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? दो हो गया, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। कौन सा महासागर? और चौथा स्थान पे आर्कटिक महासागर। लेकिन एक और कभी कभी इसकी चर्चा हो जाती है, ये है सौदर्न ओशियन, यानी दक्षिणी सागर, दक्षिण सागर, दक्षिण महासागर। तो इस प्रकार पांच हो गए, ऐसे ओरिजिनल रूप से आपको चार ही पढ़ने को मिलेगा। कितना? चार। तो इसको हम लोग डिटेल देखते हैं। कहता है जिसके अधिकतर जल भूमिगत भूमिगत है, 71% पर जो जल है वो अधिकतर भूमिगत है, सागर में है और बर्फ के रूप में भी है। इस कारण पृथ्वी पर लोग पेयजल की कमी महसूस कर, इस कारण पृथ्वी पर लोग पेयजल, क्योंकि जो मीठे जल है वो बर्फ के रूप में है। कहाँ? बर्फ। अब बर्फ वाला पानी हम लोग को पीने का नसीब नहीं होता, वहां कोई आदमी रहता नहीं। अब जे यूज करते हैं सिर्फ, बस सिर्फ ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, समुद्र वाला पानी हम लोग पी नहीं सकते, है ना। इसलिए पिए पानी का बहुत किल्लत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पीने वाला पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्लियर है? महासागर महाद्वीप द्वारा एक दूसरे से अलग है, है ना, अलग है ना। देखिए महासागर और महाद्वीप एक दूसरे का अलग, सामान्यतः वो उनके अंग है। अरब सागर, लाल सागर और महासागरों से सटे कितने भी महासागर मिलते हैं, जैसे अरब सागर भारत के बगल में, अरब सागर, और यहाँ पे लाल सागर, याद है? लाल सागर किससे किसको अलग करती थी? एशिया को अफ्रीका से, एशिया को बताइए, अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करती है? मेडिटेरेनियन से, मेडिटेरेनियन से कौन अलग करती है? मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सिंह को हिंदी में क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। क्या बोलेंगे? अब एक वो कहता है बंगोपसागर, जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगोपसागर को क्या बोलेंगे? ये हिंद ओशन में है। ये तीनों के तीनों कहाँ है? हिंद, जैसे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे, ठीक है, हिंद महासागर यहाँ, अरब सागर यहाँ पे है और यहाँ पे लाल सागर, ठीक है ना। महासागरों की संख्या चार है, यही क्रम से लिखा हुआ है, क्रम से। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, याद हो गया दो लाइन। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, अब स्थान, पहला स्थान प्रशांत, दूसरा स्थान अटलांटिक, तीसरा स्थान हिंद महासागर और चौथा, पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक। क्लियर हो गया? लेकिन कभी कभी तो आपको पांच को मिलेगा, तो पांचवा यहाँ पे घुसाइएगा। पहला पर होगा प्रशांत महासागर, दूसरा पर अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर और चौथा ये वाला सौदर्न ओशियन। कौन? सौदर्न, और लास्ट में आर्कटिक, यानी वो भी स्थिति रहेगा तो आर्कटिक सबसे छोटा ही होगा। अगर पांचों ले लीजिएगा सबसे छोटा कौन होगा? आर्कटिक ही होगा। तो इस प्रकार से महासागरों का विस्तार ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए देखे थे महाद्वीपों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, लेकिन महासागरों का ज्यादा हाँ दक्षिण, ज्यादा पानी कहाँ नजर आ रहा है? दक्षिण, ऊपर ज्यादा नहीं ना नजर आ रहा है। अंटार्कटिक महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ पे है बोलिए? अंटार्कटिका महाद्वीप, ये वाला, ये तीनों ओर से, इधर से भी, मतलब कहने का मतलब इस सब ओर से घिरा हुआ है तीनों, उसके चारों ओर इन महासागरों से सटे भाग के कुछ भाग पांचवें महासागर भी बनाता है, ठीक है ना। ये सब जगह से घिरा हुआ है कि नहीं महासागर से, क्योंकि इंडियन ओशन भी है यहाँ, आर्कटिक भी है यहाँ, पैसिफिक है, तो केकर बात मानेंगे, तो इसलिए यहाँ नया बना दिया, ठीक है। एक सटल जो महासागर होगा उसको सौदर्न ओशियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सौदर्न। इसलिए इसका नाम आर्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर कहा गया, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिका तो महाद्वीप भी था, अब अंटार्कटिक महासागर भी हो गया, क्लियर है। अब अंटार्कटिक महासागर क्यों नाम पड़ा पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखने पर, अब किसका नाम रहेगा?
पैसिफिक ओशन वाला पानी यहाँ पे आ जा रहा है, इसका भी आ जा रहा है इसका, इसलिए स्पेशल नाम रख दिया कि जितना भी जगह अंटार्कटिक से सटा हुआ हो तो अंटार्कटिक ओशियन बोलिए या सौदर्न ओशियन बोलिए। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, इंग्लिश में बोलेंगे पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, जिसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। किसका? प्रशांत। अगर जितना क्षेत्रफल है यानी जितना महादेश है, पूरा एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब मिला दीजिए और एक वो प्रशांत महासागर अकेले रहेगा तो ये वो आगे बढ़ जाएगा। कौन? प्रशांत महासागर। इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है प्रशांत महासागर, सब डूब जाएगा ओकरे में। किसमें? प्रशांत महासागर में। कौन? जितना भी भूमि है सब डूब सकता है, वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है। कहते इसकी गहराई भी सबसे अधिक है, गहरा मरियाना ट्रेंच, इसकी मरियाना गर्त यानी मरियाना ट्रेंच कि गहरा 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 समझ में आ रहा ना, सबसे गड्ढा ये 1134 मीटर यानी हिमालय जितना ऊपर है ना ओकरा से ज्यादा गहरा है। हिमालय को अगर उठाइए और उसको में डाल दीजिएगा मरियाना ट्रेंच में, हिमालय डूब जाएगा। तैयो 2 किलोमीटर अभी और कुछ डालिए तब जाके नजारा अच्छा अभी है। समझ में आए ना? कोई चीज गड्ढा रहता है तो हम लोग बांस लगाते हैं, नापते हैं ना बस वो डाल डाल के कि कितना गड्ढा है, क्या बांस डाल के नापते हैं कि नहीं नापते हैं? तब बांस डाल के नापते हैं, ठीक है कितना। तो आपको इसको नापना है तो क्या कीजिए, हिमालय को डाल दीजिए, माउंट एवरेस्ट को डाल दीजिए 8848 मीटर को डाल दीजिए, तो अभी 11000 है, वो 8000 था ना 11, तैयो समझिए कि 2000 अभी और बचेगा। क्योंकि 8848 है ना, यानी 800 के करीब है, तो लगभग 9000 हो गया और ये 11000, तो दुई ना बच गया 9 2 11। मरियाना ट्रेंच, अब पूछेगा मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर। अब सबसे गहरा पूछेगा, सबसे गहरा सागर कौन है? प्रशांत महासागर। और उसमें भी स्पेशल नाम बताइए, तो मरियाना की गर्त यानी मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। संसार की देखो लिख दिया, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर भी 2 किलोमीटर गहरा पानी बजा प्रशांत महासागर की ना। एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इस महासागर में कई द्वीप समूह भी है, क्योंकि ये कई तट पर बसा हुआ है। कारण देखिए, ये सब मिलेगा तो एशिया भी इधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया भी है, इधर दक्षिण अमेरिका और इधर उत्तरी अमेरिका, यानी प्रशांत महासागर 4 द्वीपों को टच कराती है, 4 महाद्वीपों को टच कराती है। किसको? किसको? एशिया को, फिर अफ्रीका को, अफ्रीका माने में दूजा, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को, ठीक है ना। इतना को ये क्या करती है? टच करती है, छूती है। अगला यहाँ पे है संसार के सबसे 2 उन्नत महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, यूरोप। देखिए ये उत्तर अमेरिका सबसे अमीर, जानते हैं कि उत्तर अमेरिका में अमेरिका है और हाँ और नीचे में, और यहाँ पे यूरोप बहुत ज्यादा अमीर है। लाइट खराब है, खत्म हो बैठी नहीं। और नीचे में क्या है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, और नीचे में क्या है? यूरोप। समझ में आना, अमीर में ये दोनों, और ये दोनों के सीधा कौन अटलांटिक को छूता है। अब दोनों में जो व्यापार होगा, दोनों में छोड़ो, दोनों में जो व्यापार होगा, या बंद ही कर दो, कोई फायदा ही नहीं। दोनों में व्यापार सबसे ज्यादा होगा तो सबसे व्यस्त अटलांटिक महासागर रहेगा कि नहीं, यहाँ बड़े बड़े पानी जहाज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो कहता संसार के सबसे उन्नत महाद्वीप उत्तर अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक महासागर के किनारे एक दूसरे के आमने सामने, इधर उत्तर अमेरिका है और इधर क्या है? यूरोप है। इन दो महाद्वीपों के अलावे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से घिरा हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से भी तो घिरा हुआ है ना। देखिए यहाँ उत्तर अमेरिका, यहाँ यूरोप से ऊपर में, और नीचे में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से घिरा हुआ है। कहता है इस महासागर का कुछ दोनों ओर महाद्वीपों में अधिक घुसा हुआ, इधर इन्हें घुस गया, इधर इन्हें घुस गया, इधर इन्हें घुस गया ना।
उत्तर अमेरिका सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग का काम करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नौकायन होता है, समुद्री जहाज जाता है, क्योंकि अमीर रहेगा तो सामान भी तो ज्यादा आएगा जाएगा। सीमावर्ती महाद्वीप की जलवायु को भी यह बड़ा प्रभावित करती है। जैसा जलवायु गर्म जलवायु तो भूमि को भी गर्म कर दे, और ठंडी जलवायु तो भूमि को भी ठंडी कर देती है, ठीक है ना। और ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हम तो पढ़ चुके हैं सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, और उसके बाद लास्ट में आर्कटिक महासागर। बोलिए किन्हीं को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये दूसरा स्थान पर, इसका आकार अंग्रेजी अक्षरों एस के अनुसार है। एस एस जैसा लग रहा है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे घुस गया। कहता इसकी तटरेखा बहुत अधिक कटा छटा है, ठीक है ना। तो काटा छटा जहां रहेगा तो नौकायन, नौका ज्यादा रुकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नौ रोकने के लिए बंदरगाह बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह है मतलब पोताश्रय, जहाँ पानी जहाज जाकर के रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं। भारत के सबसे पुरानी सिंधु सभ्यता का कोई बंदरगाह का नाम बताइए? लोथल। क्या नाम था? लोथल। इसको पतन बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं, और एक और नाम कोई बताइए डॉकयार्ड के अलावा, और कुछ बोला जाता है क्या सिंधु सभ्यता में? एक और चीज बोलते थे गोदीवाड़ा। क्या बोलते थे? गोदीवाड़ा, ठीक है ना। अगला हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर, हिंद देश भारत के दक्षिण में है। देखिए भारत देश है ना यहाँ पे, और भारत के दक्षिण में ये इंडियन ओशियन है। लिखो नहीं क्या? अच्छी अटलांटिक का स्पेशल नाम है तो लिखिएगा कहाँ से। इंडियन ओशियन भारत के दक्षिण में मौजूद क्या है? इंडियन ओशियन। क्या मौजूद है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण में है। कहता है कि प्राचीन काल से विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत, चीन, जापान है ना, अमेरिका के तरफ थोड़ा कम, लेकिन यूरोप से अटैच रहा। किसी देश के नाम पर यह मात्र एक देश है। ऐसा कोई देश के नाम है? लेकिन भारत देश के नाम के चलते उसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन भारत, इंडियन ओशियन भारत, भारतीय बोला हिंद महासागर, भारतीय महासागर नहीं, सॉरी हिंद महासागर। आने दीजिए बच्चों को, हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। कहता है यह तीन ओर महाद्वीप से घिरा हुआ है। उत्तर में एशिया से, महाद्वीप से घिरा हुआ, उत्तर में एशिया से, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से, और पश्चिम में से। इसका लगभग आकार त्रिभुजा का है। देखो समझ में बहुत बढ़िया सा है। उत्तर में एशिया से, इसके उत्तर में एशिया से, इसके पूरब में अफ्रीका से, सॉरी उत्तर में एशिया से, पूरब में ऑस्ट्रेलिया से, और पश्चिम में ऐसे कीजिए तो त्रिभुज हो गया, हो गया ना। तो त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। बैठने दो। कैसा बनाती है? अच्छा वहां बैठना है, आइए बैठिए यहीं। अभी थोड़ा सा क्लास है, उसका क्लास चल रही है। हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। पूछेगा कि त्रिभुजाकार आकृति कौन बनाता है, कौन महासागर बनाता है, तो क्या बोलिएगा? हिंद महासागर। पूछेगा एस की जैसा आकृति कौन बनाता है, तो क्या बोलिएगा? हिंद अटलांटिक महासागर। कौन बनाता है? कौन बनाता है? अटलांटिक महासागर। आप देखिए आर्कटिक महासागर ऊपर में सबसे आर्कटिक महासागर था, ये ऊपर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर और अंटार्कटिक वृत्त के अंदर होने के कारण यहाँ सालों भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ सालों भर यहाँ भी बर्फ से ढका, ठीक है ना। कहता है कुछ लोग इसे अटलांटिक महासागर के उत्तरी विस्तार मानते हैं, कि ये अटलांटिक के महासागर ऊपर में है, ठीक है ना। या बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होती है। देखिए यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, और यहाँ पे चुक्सी सागर है। कौन सा सागर है? चुक्सी सागर, और नीचे में बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने, अलग करने वाली एक या जोड़ने वाली जल संधि का नाम बेरिंग जल संधि है। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि, यानी बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। हो गया क्या टाइम? आगे देखिए, तो बेरिंग स्ट्रेट से ये बना हुआ है। अब बताइए अमेरिका यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। अमेरिका यहाँ पे, अमेरिका कौन वाला पार्ट? ये वाला अमेरिका। अब हमने मैपिंग को चेंज कर दिया, क्योंकि बताना है फ्रंट पे,
तो यह अमेरिका और यहाँ पे यूरेशिया, ये वाला पार्ट यूरेशिया, इसको जो जोड़ने का काम किया यही बेरिंग स्ट्रेट जोड़ने का काम किया। कौन जाम काम किया? बेरिंग स्ट्रेट। तो यूरेशिया से घिरा है और इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा नहीं है, भारत से भी कम है। जितना भारत है ना यहाँ पे भारत, इसके भी इसका क्या है? कम है। अरे सॉरी, भारत का तिगुना है, गलती, भारत का क्या ये तिगुना है। और सबसे ज्यादा यहाँ व्यापार बढ़ता है, ये व्यस्त रहता है, क्योंकि अमेरिका से और यूरोप में अधिकतर व्यापार इसी मार्ग से होते हैं। क्लियर है ना? तो विश्व का क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे व्यस्त यातायात महासागरीय मार्ग कौन है? तो अटलांटिक। कौन? अटलांटिक, ऊपर वाला। इसलिए इसे वाणिज्य केंद्र तेजी विकसित आई ज्यादा। यहाँ पे जो जलमार्ग है आपको बाद में पढ़ाया जाएगा कैसा कैसा, एक मिनट, कैसा कैसा जलधाराएं हैं ये आपको बताया। कोई गर्म जलधाराएं होती है, कोई ठंडे जलधाराएं होती है। गर्म जलधाराएं जब आएगी तो यहाँ मौजूद जितने भी बर्फ होंगे उसको तो पिघला देगा ना। तो यहाँ पे हमेशा वातावरण ऐसा बन जाता है कि समुद्री जहाज को आसानी से ले जाया जा सके। और कटा छटा होता है इसका, देखिए कितना ज्यादा कटा छटा है, यानी इस मार्ग में सबसे ज्यादा डॉकयार्ड बन सकता है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। सिंधु सभ्यता में इसको क्या कहा नाम थे? गोदीवाड़ा। क्या नाम बोले थे? है ना, जैसे भारत में लोथल था। तो इसे याद रखा कीजिए। तो टेढ़ा मेढ़ा कटा छटा होने के कारण यहाँ आश्रय, अब पोताश्रय विकसित है। यहाँ पे पोर्ट भी बनाया गया, बहुत सा उन्नत ढंग से पोर्ट बनाया गया, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इमारत, यहाँ पे अमेरिका भी अमीर देश और इधर यूरोप भी अमीर देश, इस वजह से। चलिए तो आज का क्लास बस इतना ही, अगले दिन फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और खराब लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा हक है।